अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और मेरा जो अभी पानी को साफ़ सफाई करने की जो सेकेंड सेशंस है, क्योंकि मैं तीन बार दिन में थोड़ा जो काम है पानी का जगह को साफ़ करना, फीड देना, वो तीन टाइम मैं रेफर्स करता हूँ। एक सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम के बाद और रात के टाइम में। फीड मैं ज़्यादातर दोपहर के टाइम के बाद देता हूँ और सुबह देता हूँ, लेकिन पानी को जगह को साफ़ सफाई करना दिन में दो बार प्रेफर्स करता हूँ, एक सुबह के टाइम, एक दोपहर के बाद और रात के टाइम। तीन बार मैं पानी का जगह को साफ सफाई करता हूँ। सो दोस्तों, मेरे फार्म में एक प्रॉब्लम आया कि ग्रोथ के वजह से या फिर वेदर चेंजेस की वजह से थोड़े बहुत मैंने ड्रॉपिंग वगैरह की इशू देखे हैं। इसके वजह से जो बॉडी वेट गेन भी थोड़ा जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम आया है। तो लूज़ ड्रॉपिंग क्या होता है कि बाढ़ जो फीड डाइजेस्ट करते हैं वेदर की वजह से, बाढ़ हीट लेने की वजह से कभी कभी थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक मेडिसिन मैं प्रेफर करूँगा, अगर आपके फार्म में भी ये है, आप न्यूरोमाइसिन, एक मेडिसिन आते हैं न्यूरोगार्ड, जो सुखना से पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उसके लिए, वो देने से बाढ़ में जो ड्रॉपिंग का इशू आते हैं, लूज़ ड्रॉप का इशू आते हैं, वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर कॉक्सी का मेडिसिन भी आप दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो इसके लिए मैं प्रेफर्स नहीं करूँगा। अगर कॉक्सी का मेडिसिन आप देना चाहते हो तो सुपर कॉक्सी एम्पोलियम आप बाज़ार में मिल जाएंगे, तो उस भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह जाना चाहते हो तो एक मेडिसिन मैं आपको प्रेफर्स कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक पत्ते मैंने फार्म के बाजू में ही लगाया है, जो आपको बाहर जहाँ पर कुछ भी जगह होगा वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो पत्ते वगैरह है, इसको तेलाकुची पत्ता बंगाली में बोला जाता है। ये पत्ते के साथ पाथुर कुछ एक पत्ता होता है, जिस पत्ता से बहुत पेड़ निकलते हैं वो जो पत्ता है, और जो थानकुनी पत्ता है, वो तीन चार आयुर्वेदिक मेडिसिन को पंच करके अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करने से अगर एक घंटे के पानी में इस्तेमाल करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ और भी एक ट्रीटमेंट बता देता हूँ, अगर वो भी आप अफोर्डेबल कर सकते हो, जब मैंने कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया था, तीन चार दिन में, आप दूध को गर्म करके भी दे सकते हो। और लूज़ ड्रॉप काम करना चाहते हो दूध के साथ, जो मार्केट में बनाना मिलते हैं, कोला मिलते हैं, कांच कोला बोला जाता है, वो कोले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ अगर दूध को पंच करके देंगे और कांचा हल्दी पंच करके देंगे तो भी बाढ़ का ड्रॉपिंग का जो इशू है वो कम होता है। तो तीन चार चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर दिया हूँ। एक है कि सुगना का फार्मर के लिए न्यूरोगार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, अदर सुखना के लिए आप सुपर कॉक्सिंग एम्पोलियम इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो पत्ते की मैंने बात किया वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दूध, कांचा हल्दी और कांच कला ये जो है उसको पंच करके भी आप दे सकते हो, उसमें लूज़ ड्रॉपिंग वगैरह का जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है। तो मेरे फार्म में अभी मोर्टालिटी बहुत ही कम है, आज दोपहर गर्मी की वजह से दो तीन मोर्टालिटी हो गया है। तो अभी मोर्टालिटी जब तक एकदम कम नहीं होता तब तक मैंने कोई भी मल्टीविटामिन वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि आज 35 डेज़ है और जो एवरेज बॉडी वेट मेरे फार्म में अभी आया है लगभग 1100 प्लस बॉडी वेट आया है, तो बॉडी वेट ख़राब नहीं है। अभी 10 दिन मेरे फार्म में अभी मेरे बाढ़ रहेगा, तो मल्टीविटामिन देने या फिर कोई भी विटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह देने के लिए समय अभी है मेरे पास। तो जब तक लूज़ ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मेरा कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करूँगा, और जो ड्रॉपिंग के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं वो सारे मेडिसिन मैं यूज़ करूँगा। और दोपहर के टाइम मैं प्रेफर्स करूँगा इलेक्ट्रोल पाउडर इस्तेमाल करने की, इलेक्ट्रोल पाउडर से भी बाढ़ का जो स्ट्रेस वगैरह है वो बहुत रिलीफ हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोल पाउडर भी आपके फार्म में ख़त्म हो गया है, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ को गर्म करके थोड़े गर्म पानी में उबाल करके उसको ठंड करके उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गुड़ इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वेदर बहुत ही नाजुक है, तो इसके लिए साउंड आते हैं, तो साउंड का प्रॉब्लम का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए गुड़ का भी इस्तेमाल करो। और अभी वेदर बहुत ख़राब होने की वजह से मैंने तो दो तीन दिन जो पेपर है वो बांधा रखा था, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लीटर के ऊपर थोड़े बहुत बदबू आना शुरू है, तो मैंने लीटर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया हूँ। मैंने दिन में दो तीन बार रैकिंग कर रहा हूँ, और एक बार सुबह जब मैं रैकिंग करता था उस टाइम मैंने जो एक सुपर फॉस्फेट में एक आपको बाज़ार में कीटनाशक सार मिलते हैं वो, उसके साथ थोड़े चून का पंच करके अगर लीटर के साथ आप मिक्स कर देंगे तो लीटर का तो एज थोड़े बढ़ जाता है,
तो इसके लिए आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि लीटर भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लीटर अगर ख़राब हो जाता है कि 10 दिन अभी मेरे फार्म में बाढ़ रहेगा, और 10 दिन मेजर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटी करते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। तो इसके लिए 10 दिन का जो लीटर है उसको भी आपको सही से रखना ज़रूरी है। इस बीच में अगर लीटर ख़राब हो जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिकमेंड करूँगा हर एक दिन स्प्रे करने की, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब होने की वजह से अगर आप पूरे पेपर को बंद करके स्प्रे हर एक दिन करेंगे, स्प्रे करने से भी जो लीटर है उसका एज बढ़ता है, उसके साथ साथ बाढ़ में बहुत डिजीज़ है, सावर देने से बहुत डिजीज़ है, उसमें बाढ़ को प्रोटेक्शन मिलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम हो जाता है। तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि हर एक दिन स्प्रे करने की कोशिश कीजिए जब आपका बाढ़ का एज 25-26 दिन के ज़्यादा हो, और अगर वेदर बहुत गर्म है तो स्प्रे ज़रूर कीजिए। और टाइम मैं रिकमेंड करूँगा 2 टाइम स्प्रे कर सकते हो, एक है कि सुबह 8-9 बजे के आसपास, 8 बजे से पहले करिए, 8-8:30 बजे, और शाम के टाइम अगर करेंगे तो इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 या फिर 4 बजे के बाद, 4 से 5 बजे के बीच में करेंगे। मैं पेपर्स करूँगा सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम स्प्रे करने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बाढ़ में कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि रात के टाइम में स्प्रे कर सकते हो शाम से टाइम में, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं होता जितना सुबह दिन में काम है। तो अभी यही था मेरा मैनेजमेंट दोस्तों, सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन से मैं शेयर कर दिया, मेरा वीडियो थोड़ा बहुत 5-6 मिनट 7 मिनट लंबा हो जाता है, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ, जो आप लोगों को जो फार्मिंग है, जो आपका मैनेजमेंट है, उसमें अच्छे हो सके, थोड़े आप लाभ उठा सके, तो इसके लिए। और बहुत सारे फार्मर भाई जो मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, भैया मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ये जो वीडियो है ये बनाता हूँ, जिसके वजह से बहुत सारे फार्मर भाई जो मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक से थोड़े बचे। तो इसके लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए तरह तरह की पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा, जिसमें हर एक पोल्ट्री फार्मर भाई को थोड़े बहुत लाभ हो सकते। तो दुआ कीजिए मेरे लिए, और आप लोग भी बहुत सही से रहिए और अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।